खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पिछले दिनों महू युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पुनीत शर्मा के द्वारा आम जनता के बढ़े हुए बिजली के बिलों के खिलाफ बिजली विभाग कार्यालय जाकर आवाज उठाई थी। उनके खिलाफ धारा 186 में कार्रवाई की गई थी। तो पुनीत शर्मा का कहना है कि प्रशासन द्वारा दोहरी नीति अपनाकर सिर्फ कांग्रेसी नेताओं पर ही FIR दर्ज की जा रही है, जबकि 22 से 23 तारीख को ग्वालियर में भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सभी नियम कायदे की धज्जियां उड़ाई गई थी। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही देश के बड़े मंत्री भी शामिल थे। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही शर्मा ने कहा कि मुझ पर एक या दो FIR नहीं, यदि मुझ पर बीजेपी सरकार द्वारा 100 या 200 केस दर्ज कर दिए जाएं, लेकिन मैं जनता की आवाज़ हमेशा इसी तरह उठाता रहूंगा। महू से कैमरा पर्सन सोनिया के साथ। तो मेरा ये बोलना है कि ऐसी 100 कार्रवाई मुझ पे हो जाए तो भी मैं जनता से जुड़े मामलों में लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरी चीज, ये मध्य प्रदेश सरकार का दोहरा मापदंड क्यों है? एक तरफ जो है वो ग्वालियर के अंदर 22 या 23 तारीख को भाजपा के जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो खुद CM शिवराज सिंह चौहान जो हैं, वो खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे मीडिया में दूरी की और सारी चीज़ों के नियम कायदों की, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो ये मेरा सीधा सीधा बोलना ये है कि मऊ प्रशासन ने भाजपा के दावों में आकर मेरे पे 188 की कार्रवाई की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुझ पर कार्रवाई की है तो फिर उन पर रहम क्यों? आप ये दोहरा मापदंड क्यों रख रहे हो? क्या हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली उन भाजपा के लिए अलग है और कांग्रेस के अलग है? तो मेरा सीधा सीधा बोलना है, कांग्रेसियों का मुकदमे बंद करो बनाना, नहीं तो जो है वो हम लोग तो ऐसी ही जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपको 100 करनी हो, 200 FIR करनी हो, जितनी करनी हो आप करते जाओ। कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन के संबंध में FIR दर्ज की गई है। चूँकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण चल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुपालन में ना होने से FIR दर्ज किया गया है, जिसमें MPB की तरफ से भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। ये संख्या तो नहीं है, जो भीड़ में थे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।